हेलो। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं अपना छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने को एक बार पूछ रखा है एग्ज़ाम के अंदर विद्युत बल रेखाएं के गुणधर्म क्या होते हैं ना, 2 नंबर में। तो विद्युत बल रेखाएं अपना एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और छोटा सा भी है, और ये समझेंगे तो ये अपने को आगे का टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो विद्युत बल रेखाएं होता क्या है ना, अगर अपन मान लेते कोई एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश का मतलब आप समझते हैं क्यू इज इक्वल टू 1, ऐसा आवेश जिसका मान 1 हो, उसको बोलते हैं अपन एकांक धनावेश, है ना, एकांक धनावेश। तो एकांक धनावेश जब विद्युत क्षेत्र में गमन करता है, जब एकांक धनावेश जब विद्युत क्षेत्र में क्या करता है, गमन करता है, गमन करता है मतलब गति करता है ना, तो जिस पथ पर वो चलता है, जैसे मान लो ऐसे पथ पर वो क्या कर रहा है, चल रहा है ना, तो जिस पथ पर वो चलता है वह उस मार्ग पर, जैसे मार्ग का मतलब क्या होता है, रास्ता, है ना, तो जिस मार्ग पर वो चलता है, जिस पथ पर वो चलता है ना, उस मार्ग पर जो काल्पनिक पथ बनता है, कौन सा पथ बनता है, काल्पनिक, अपने को दिखता तो है ही नहीं, है ना, काल्पनिक पथ, विद्युत आवेश अपने को दिखता नहीं है ना, तो जिस मार्ग पर वो चलता है उस मार्ग पर बना काल्पनिक पथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, विद्युत बल रेखा। जैसे ये मान लो इस मार्ग पर चल रहा है ना, तो इस मार्ग पर क्या बना है, काल्पनिक पथ बना, क्या बना, काल्पनिक पथ, तो इस पथ पर वो चला, तो ये क्या हो गई अपनी, विद्युत बल रेखाएं हो गई। आया समझ में आपको, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, कि एकांक धनावेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये ध्यान रखना है अपने को, विद्युत क्षेत्र में, है ना, एकांक धनावेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र में जिस मार्ग पर गमन करता है, जिस मार्ग पर गमन करता है उससे उस मार्ग पर बना काल्पनिक पथ जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, इसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं ना अपन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं, या फिर विद्युत बल रेखाएं भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको, जैसे मेरे पास आवेश है प्लस आवेश, है ना, प्लस क्यू आवेश, और एक है माइनस क्यू आवेश, है ना, तो यहाँ से ये चल रहा है, गमन कर रहा है ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र अपना पूरा, है ना, तो यहाँ से ऐसे गमन कर रहा है, तो इस पर अपनों ने क्या बना दिया है, काल्पनिक पथ बन गया, है ना, काल्पनिक पथ, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, विद्युत बल रेखाएँ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, विद्युत बल रेखाएँ क्या होता है। अब इसके गुणधर्म है क्या है, इसके गुणधर्म ये आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं एक बार 2 नंबर में ना, कि विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म बताइए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं, ये आपको याद रखने, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सबसे पहला गुणधर्म होता है कि खुला वक्र बनाती है, क्या बनाती है, खुला वक्र बनाती है। आप कॉपी में जब नोट करेंगे तो आप क्लियर नोट करना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा बनाती है, खुला वक्र बनाती है। ठीक है, जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं सघन होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। विद्युत बल रेखाएं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, विद्युत बल रेखाएं जहाँ सघन होती है, सघन का मतलब क्या होता है, गहरी, है ना, जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, सघन होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, जहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र रेखा अधिक हो, सघन होगी मतलब गहरी होगी, जैसे अब जाहिर सी बात है जहाँ पर अपने को सघन विद्युत आवेश मिलेगा, जहाँ पर आवेश घेरा होगा वहीं पे विद्युत रेखा क्या होगी, सघन होगी, और जहाँ पर सघन होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो लंबवत आकर्षण और प्रतिकर्षण करती है, मतलब जो पृष्ठ होता है उसके लंबवत चलती है ना, जैसे ये पृष्ठ तो इसके क्या होती है, ये ऐसे लंबवत चलती है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा कैसे चलती है, लंबवत चलती है, कैसे चलती है, लंबवत चलती है। ठीक है, ये 3 गुणधर्म हो गए। चौथा गुणधर्म क्या हो जाएगा इसका, कि अगर अपने को विद्युत बल रेखा, जैसे विद्युत बल रेखा है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विद्युत बल रेखाओं पर, जैसे कोई विद्युत बल रेखा चल रही है ना, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी हो, दिशा ज्ञात करनी हो, जहाँ पर विद्युत बल रेखा होती है, जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा है ना, इस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। अपने को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि होती है, मतलब उसकी दिशा होती है, जहाँ पर भी विद्युत बल रेखाएँ होती है उस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी हो, तो अपन क्या करते हैं, उस पर, उन पर, किन पर, विद्युत बल रेखाओं पर, उन पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। कैसे खींचते हैं, जैसे मान लो ये अपने पास प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, ये ऐसे चलती है ना, तो अगर इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो मैं ऐसे क्या कर दूंगा, स्पर्श रेखा खींच दूंगा, तो मतलब पता चल जाएगा अपने को कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है ना,
एक और विद्युत क्षेत्र का इम्पोर्टेंट जो गुणधर्म है वो है कि विद्युत क्षेत्र जो विद्युत बल रेखाएं होती है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं हमेशा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती है, की ओर गति करती है। ये मैंने आपके पांच ही गुणधर्म यहाँ पर लिख दिए हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है उस पर अगर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी हो तो उस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं अपन, ठीक है। हमेशा वो धनावेश से ऋणावेश की ओर ही चलती है ना, क्योंकि अपने को पता है एकांक धनावेश गमन करता है हमेशा, तो धनावेश गमन करेगा किसकी ओर गमन करेगा, ऋणावेश की ओर, है ना। और ये जहाँ पर सघन होती है वहाँ पर क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है मैक्सिमम या अधिक होती है। और इसका लास्ट और इम्पोर्टेंट जो गुणधर्म है वो देख लो कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा एक ही बात है, दोनों कंफ्यूज नहीं होना ना। दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है ना, आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। एक बार तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म लिखिए, ठीक है, दो गुणधर्म या तीन गुणधर्म, ठीक है। और एक बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है, कारण बताइए। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि दो विद्युत रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, कारण बताइए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा कारण है, देखो क्या है, इससे जुड़ा हुआ है कारण, किससे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उससे कारण जुड़ा हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन जब भी ज्ञात करते हैं तो क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन विद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन विद्युत बल रेखाओं पर क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखाएँ खींचते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो स्पर्श रेखा जब खींचते हैं, अब देखो जैसे ये अपने पास विद्युत बल रेखा है ना, ये विद्युत बल रेखाएँ हैं, तो इस पर अपन क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं ना। तो अपने को पता है कि जब भी, इसका सिंपल सा कारण है कि जो दो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं असंभव है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इसका कारण बता रहा हूँ मैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं असंभव है या संभव नहीं है, असंभव है मतलब विद्युत क्षेत्र की कभी भी दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक ही दिशा होगी। या तो अपन एक आवेश यहाँ ले रहे हैं प्लस क्यू, एक आवेश यहाँ ले रहे हैं माइनस क्यू, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इधर होगी, या ए बिंदु या बी बिंदु, तो दिशा कितनी होगी, ए बी की ओर होगी, ए से बी की ओर होगी, है ना। अब दो दिशाएं तो असंभव है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिशा इधर हो जाएगी या फिर एक दिशा इधर हो जाएगी, दो दिशाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की असंभव है, एक ही दिशा हो सकती है। अब देखो अपनों ने आप विद्युत बल रेखाएं खींच रखी है ना, अब इस पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं अपन, है ना। अब दूसरी दिशा ज्ञात कर ही नहीं सकते अपन, है ना। अगर मान लो कि एक विद्युत बल रेखा ऐसी है और एक विद्युत बल रेखा ऐसी है, मान अपनों ने क्या लिखा, दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मान लो ये काट लिया है ना इसने। अब देखो इस पर स्पर्श रेखा खींचू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो ऐसे खिंचाएगी, फिर स्पर्श इस पर खींचू तो ऐसे खिंचाएगी, तो ये तो दो विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो गई, दो दिशा हो गई, जो कि क्या है, असंभव है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती, काट नहीं सकती। तो अगर एग्जाम में आता है कि दो विद्युत रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो आपको इसका आंसर लिखना, एक बार ध्यान से सुन लेना कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि एक दूसरे को अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर, एक दूसरे को अगर काटेगी तो कटान बिंदु मतलब ये प्रतिच्छेद बिंदु, कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी। जैसे अगर मान लो ऐसे काटेगी है ना, तो एक दिशा तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और एक दिशा क्या हो जाएगी, ये, जो कि क्या है, असंभव है या संभव नहीं है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं और उसके गुणधर्म मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हो, या फिर प्रॉब्लम कुछ है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका विद्युत बल रेखा कंप्लीट हो गया। अगर आप कॉपी में लिखना चाहो तो इसको, वैसे तो मैंने लिख दिया आपके सामने, इसको ऐसा कैसा ही लिख लेना, या फिर आपके हिसाब से अगर नोट्स व्यवस्थित करके बनाओ या चित्र वगैरह बनाओ तो चित्र वाला बना लेना, ठीक है। और क्यों नहीं काटती ये जरूर लिखना, इसको प्रश्न बना के लिखना है कॉपी के अंदर कि दो विद्युत, पहले तो गुणधर्म के अंदर लिख लेना कि दो विद्युत बल रेखा आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, उसके बाद क्वेश्चन लिखना कि दो विद्युत बल रेखा आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, आंसर लिखोगे कि इसलिए नहीं काटती है क्योंकि कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी जो कि संभव नहीं है,
तो ये आपका टॉपिक फिनिश, ठीक है, इसको देते हैं अपन विदाई, विद्युत बल रेखाओं को। अब आपका एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, जो अब सब नई नई चीज़ आएगी ट्वेल्थ के अंदर, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के अपने को समझना है ना। तो अब एक और चीज़ अपन समझ लेते हैं, अपने एक अगला टॉपिक है अपना विद्युत बल रेखा हो गया। अब अपन पढ़ लेते हैं विद्युत फ्लक्स, क्या पढ़ लेते हैं अपन, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये देखेंगे अपन अभी, है ना। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालूं, विद्युत फ्लक्स दिख रहा है ना आपको, हाँ, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है ना, तो अब इसको ध्यान से समझेंगे कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो देखो विद्युत फ्लक्स का, विद्युत बल रेखाएं जो अपनों ने पढ़ी उसी से संबंधित है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, देखो अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र है, देखो विद्युत क्षेत्र तो सब में आएगा है ना, विद्युत क्षेत्र को अपने को भूलना नहीं होगा ना, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होगा जो भी काम होगा, वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही होना है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी भी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। एक बार तो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ना। देखो विद्युत क्षेत्र में, ताकि आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल का मतलब वही हो गया पृष्ठ से, है ना, किसी पृष्ठ से, जैसे अपना पृष्ठ इससे लंबवत गुजर रही है ना, किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल टोटल बल रेखाओं की संख्या, बल रेखा अपनों ने पढ़ी ली अभी ना, बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं अपन, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको काय से प्रदर्शित करते हैं अपन, फाई से प्रदर्शित करते हैं, काय से प्रदर्शित करते हैं फाई, इसको बोलते हैं अपन फाई, है ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो जैसे अगर चित्र में तो अपन बना नहीं सकते, जैसे अपना ये पृष्ठ है, मान लो ये क्या है अपना पृष्ठ है ना, पृष्ठ से अगर लंबवत विद्युत बल रेखाएं गुजर रही, मान लो ऐसे गुजर रही है ना, तो ये क्या हो गई अपनी विद्युत फ्लक्स, मतलब उसकी जो टोटल संख्या होती है, विद्युत बल रेखाओं की जो टोटल संख्या होती है ना, उसको बोलते हैं अपन विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जैसे पृष्ठ है अपने पास, इस पृष्ठ से मान लो ऐसी रेखाएं गुजर रही लंबवत है ना, ऐसी रेखाएं गुजर रही लंबवत, तो ये क्या होगी अपनी टोटल जो कुल रेखा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अपनी विद्युत फ्लक्स हो जाएगी। इसको काय से प्रदर्शित करते हैं अपन, फाई से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है, विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, है ना। देखो विद्युत बल रेखा है तो क्या हो गई कि एकांक धनावेश जो होता है विद्युत क्षेत्र में गमन करता है, धनावेश ऋणावेश की ओर गमन करता है, तो उसको तो बोलते हैं विद्युत बल रेखा है। और विद्युत बल रेखा हो जो हमेशा अपनों ने पढ़ा है कि गुणधर्मों में भी पढ़ा है कि वो क्या गुजरती है, लंबवत गुजरती है। कैसे गुजरती है, लंबवत, और लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसको बोलते हैं अपन विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसको काय से प्रदर्शित करते हैं अपन, फाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो ये अपना पृष्ठ है ना, जैसे विद्युत क्षेत्र है ई, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, अपने पास विद्युत बल रेखा है लंबवत गुजर रही है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, ई। अब यहाँ पर मान लो अपन बिंदु कौन सा है अपने पास, यहाँ पर ओ है, और यहाँ पे मैं एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, अल्पांश। अपन हमेशा क्षेत्रफल को काय से लिखते हैं, एस से लिखते, सॉरी जैसे पृष्ठ को ही लेना है अपने को तो क्या लेते हैं अपन, एस से लेते हैं ना पृष्ठ, तो अल्पांश लगाना हो तो आगे क्या लगा दो, डी। अपनों ने 11th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ रखा है अल्पांश, मतलब आगे क्या लगा दो, डी लगा दो, तो ये अल्पांश क्षेत्रफल क्या हो गया, डी। और इन दोनों के बीच में कोण बना है उसको मैं मान लेता हूँ क्या, थीटा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, थीटा। यहाँ तक क्लियर है, तो ये चित्र बनाना है आपको और ये परिभाषा आपको लिख लेनी है। अब देखो इसका सूत्र, एक परिभाषा और होती है इसकी, है ना, ये तो नॉर्मल परिभाषा होगी कि विद्युत बल रेखाओं की कुल जो संख्या होती है उसको बोलते हैं अपन विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब एक परिभाषा और हो जाएगी, लेकिन परिभाषा और होने से पहले अपन सूत्र लिखते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। इसका सूत्र होता है डी फाई का मतलब, तो देखो फाई का मतलब क्या होता है, फ्लक्स होता है, और डी फाई का मतलब अल्पांश पृष्ठ पर फ्लक्स है ना, फाई का मतलब तो पूरा फ्लक्स हो गया, डी फाई का मतलब अल्पांश जो, क्योंकि डी आगे आ गया, डी एस मतलब क्या होता है, अल्पांश क्षेत्रफल है ना, अल्पांश पृष्ठ, तो डी फाई का मतलब क्या होता है कि अल्पांश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा है ना, उसको क्या बोलते हैं, अल्पांश। तो ये होता है अपने पास डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, क्या होता है, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये अपना किसका फॉर्मूला होता है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो ये अपने को याद रखना है, डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है, विद्युत, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस।
ये फॉर्मूला होता है। और अपनों ने 11th क्लास में पढ़ा है ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, पढ़ रखा है शायद अपनों ने, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो याद करो इसको। और ए क्रॉस बी भी पढ़ा था अपनों ने, ए बी साइन थीटा है ना। तो ए डॉट बी का मान क्या है अपने पास, ए बी कॉस थीटा है, तो अपनों ने क्या लिखा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो गया। अब देखो इसी प्रकार से मैं इसको ए मान लूँ और इसको क्या मान लूँ, बी, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ई डी एस कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ई डी फाई इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं इसको, ई डी एस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें है ना, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है ना। तो ये लिख दिया मैंने, जो सदिश रूप लिखते थे ना अपन, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा ऐसे लिखते थे, तो ए डॉट बी को क्या लिखते थे अपन, ए बी कॉस थीटा, ऐसे इस प्रकार लिख दिया मैंने इसको, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ और, अपन क्या करते थे कि जैसे अल्पांश में है ना, तो ये तो अल्पांश क्षेत्रफल है, लेकिन अगर इसको पूरा लेना है तो अपन क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। अपन ने 11th में भी पढ़ रखा है कार्य ऊर्जा वाले रिलेशन पढ़ते थे, तो अल्पांश कार्य लेते थे अपन डी डब्ल्यू, फिर उसका समाकलन कर देते थे, तो क्या आ जाता था अपने पास, पूर्ण कार्य आ जाता था डब्ल्यू। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे कि डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस है ना, तो अपन क्या करते हैं इसका जब समाकलन करते हैं ना, समाकलन पूर्ण क्षेत्रफल के लिए, पूर्ण फ्लक्स के लिए क्या करते हैं अपन, डी फाई इस इधर भी मैंने क्या कर दिया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, यहाँ तक क्लियर है, ई डॉट डी एस, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, अगर आप डॉट लगा रहे हो तो सिर्फ ई डॉट डी एस आएगा, अगर डॉट नहीं लगाते हो तो ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट सदिश का आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ और देखना आप, कि ये तो हो गया खुला पृष्ठ, जैसे समाकलन का निशान है ना, तो ये अगर ऐसा नॉर्मल है तो खुला पृष्ठ, और अगर इसको बंद पृष्ठ बनाना हो तो अपन इसके ऊपर क्या कर देते हैं, ऐसे गोला लगा देते हैं, तो इसको बंद पृष्ठ में होता है हमेशा है ना, तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, गोला लगा देते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और ये पूर्ण के लिए है और ये आंशिक है ना, तो ई डॉट डी एस और ई डी एस कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी दो कंडीशंस है, इसकी क्या है, दो कंडीशन है। तो सबसे पहले तो अपन इसका क्या देख लेते हैं, एक मात्रक देख लेते हैं ना, मात्रक, तो phi इज इक्वल टू अपने को नॉर्मल फॉर्मूला क्या याद रखना है, ई डॉट डी एस, phi इज इक्वल टू ई डॉट डी एस है ना। तो अब देखो e है अपने पास है ना, उसका मात्रक कैसे निकालेंगे अपन, ध्यान से देखेंगे इसको, मात्रक कैसे निकलेगा इसका, e की जगह मैं लिख दूँ f अपॉन q, याद करें आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, क्लियर कट बात। डॉट डी एस क्या अपने पास, क्षेत्रफल है ना, तो इसको क्षेत्रफल को ऐसे कैसे लिख देते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, चलो यहाँ ही देख लो, एफ अपॉन क्यू मतलब न्यूटन अपॉन कूलम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, इनटू क्षेत्रफल का मात्रक आपको पता हो तो मीटर स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें, होता है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम हो जाएगा ना। फाई का मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम हो जाएगा। अच्छा, मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक बताया था, जैसे फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इसको वापस ले लेते, एक मात्रक और बताया था इसका मैंने, वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, अगर शायद नहीं भी बताया तो आप उसको नोट कर लेना है ना, वोल्ट अपॉन मीटर भी इसका मात्रक होता है ना। इनटू क्षेत्रफल का मात्रक तो फिक्स है मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एक और मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का वोल्ट इनटू मीटर। तो दो मात्रक हो गए इसके, एक तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, और एक हो गया वोल्ट इनटू मीटर, यहाँ तक क्लियर है, दो मात्रक इसके होते हैं, ठीक बात, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक दो कंडीशन और देख लेते हैं इसके सिर्फ, है ना, तो ये अपना विद्युत फ्लक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। दो कंडीशन क्या होती है, देखो, जब थीटा बराबर क्या हो, जीरो डिग्री हो, क्या हो, थीटा बराबर जीरो डिग्री हो, जो केस देखते थे ना अपन, केस फर्स्ट और केस सेकंड, वही चीज़ है ये कंडीशंस है ना। जब थीटा बराबर क्या हो, जीरो डिग्री। अब देखो थीटा बराबर जीरो डिग्री कब होगा, है ना, थीटा बराबर जीरो डिग्री कब होगा, जैसे मान लो मेरे पास ये पृष्ठ है, क्या है, पृष्ठ है, और इस पृष्ठ में क्या करता हूँ मैं, कि जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा तो अपने को पता है इधर है अपनी, है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब मान लो इसी दिशा में अपने पास क्षेत्रफल भी हो, क्षेत्रफल भी क्या हो, इसी दिशा में हो, देखो दोनों एक दिशा में, मतलब कोण क्या होता है, जीरो डिग्री होता है, ये आप मानते हो ना,
जैसे एक रेखा मैंने ऐसे खींची है ना, यहाँ पर कोई बिंदु है मेरे पास O और यहाँ पर D रखा और उसी के ऊपर एक रेखा वापस इसी दिशा में खींची, तो ये कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर एक रेखा इधर खींची और एक रेखा इधर खींची तो ये 180 विपरीत कोण हो जाएगा। लेकिन अभी उसी दिशा की अगर बात करें तो कोण क्या होगा? 0 डिग्री। तो इसलिए अपने क्या लिया? थीटा बराबर 0 डिग्री लिया। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी मतलब बल रेखाएं भी उधर ही हो, फ्लक्स भी उधर ही हो, क्षेत्रफल भी क्या हो उधर ही हो, तो अपन क्या करेंगे? थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे बस। डी फाई इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है अपना? ई डी एस कॉस थीटा होता है ना। डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब डी फाई का अगर मैं समाकलन करूँ तो यहाँ तो फाई आएगा ना, क्योंकि देखो अपन यहाँ पे डी डब्ल्यू का करते थे पहले समाकलन, तो क्या आता था अपने को निकल के डब्ल्यू आता था ना। डी एक्स का समाकलन क्या होता है? हमेशा एक्स ही होता है। ऐसे डी फाई का भी क्या हो गया? फाई हो गया। इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा है ना। तो ई डी एस कॉस थीटा मतलब ई डी एस और कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा का मान क्या माना अपने यहाँ पे? 0 है, तो कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? ई डी एस और अंदर ये तो कॉन्स्टेंट था तो इसको बाहर निकाल लिया, और कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? ई डी एस और इन टू 1, तो ये क्या हो गया? फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ये अपना फ्लक्स का मान कब हो गया? जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल रेखाएं, बल रेखा और क्षेत्र, बल रेखा और क्षेत्र की दिशा एक ही हो है ना, समान हो, तो फ्लक्स का मान क्या होता है? ई डी एस। और ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है ना, ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कब होता है, तो कब होता है? जब फ्लक्स का मान और जब विद्युत बल रेखा हो, मतलब विद्युत फ्लक्स का मान और विद्युत क्षेत्र का मान दोनों एक ही दिशा में हो, तो थीटा बराबर लेते हैं 0, और थीटा बराबर 0 जब रखते हैं, कॉस 0 का मान होता है 1, तो फाई इक्वल टू ई डी एस। तो ये फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का जो है वो अधिकतम मान होता है। और एक लास्ट कंडीशन और है कि जब थीटा इज इक्वल टू केस टू है ना, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, क्या हो? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा है ना, तो देखो क्या होगा कि ये अपना एक पृष्ठ है, नहीं थे देख लो, ये अपना एक पृष्ठ है ना। अब देखो 90 डिग्री मतलब लंबवत है ना, तो ये पृष्ठ है, तो ये तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की दिशा है ही, तो अब पृष्ठ की दिशा कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी ना, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाना है अपने को, तो पृष्ठ की दिशा इधर हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत बल रेखाओं की दिशा किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। तो अब थीटा इज इक्वल टू क्या है अपने पास? 90 डिग्री है, तो अपन क्या करेंगे? कॉस थीटा, तो कॉस क्या रख देंगे? 90 रख देंगे, थीटा की जगह क्या रख देंगे? 90 डिग्री रख देंगे। तो वही सूत्र लगाएंगे अपन, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो इसका समाकलन करेंगे जब अपन, तो डी फाई का तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90 डिग्री, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस, और कॉस 90 का मान क्या होता है? बस 0 होता है ना, कॉस 90 का मान होता है 0, तो फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा? 0, क्या जाएगा? 0। फ्लक्स का मान क्या हो गया? 0। और फ्लक्स ही अपन किसको बोलते हैं? कि विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, कुल संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन? फ्लक्स। और कुल संख्या कितनी है अपने पास यहाँ पर? 0 ही, मतलब कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि जो अपना पृष्ठ होता है ना, उसमें विद्युत फ्लक्स का मान 0 कब होता है? तो क्या कब होता है? जब विद्युत क्षेत्र और जब विद्युत फ्लक्स और क्षेत्र की दिशा क्या हो? लंबवत हो, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री हो। और देखो यहाँ पर अपने पास आया था फाई इज इक्वल टू ई डी एस, मतलब कुछ ना कुछ तो आया था, मतलब ये क्या हो गया अपने पास? मैक्सिमम, अधिकतम। और ये फाई इज इक्वल टू 0, मतलब सबसे कम, इससे कम तो हो नहीं सकता, विद्युत बल रेखा ऋणात्मक तो होगी नहीं है ना, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, मतलब ये क्या है? न्यूनतम है, क्या है? न्यूनतम फ्लक्स है, क्या है? न्यूनतम फ्लक्स। तो ये अपने को चीज़ें ध्यान रखनी है कि फ्लक्स अधिकतम कब होता है? जब थीटा का मान क्या हो? 0 डिग्री हो। और फ्लक्स न्यूनतम कब होता है? जब थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। थीटा का मान जब 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स अधिकतम होगा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस। और थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा तो दोनों की दिशाएं क्या होगी? लंबवत होगी। और दोनों की दिशाएं लंबवत होगी तो फ्लक्स का मान क्या आएगा अपने पास? 0 आएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स की 3 कंडीशन क्या होती है, है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक थे, इसको थोड़ा सा डीप में जाके समझाया है आपको, तो इसको एक बार आप अपने हिसाब से लिख लेना, केस 1 और केस 2 डाल के भी आपको लिख लेना है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत फ्लक्स के दोनों आपको क्लियर, और इसके मात्रक है ना। अगर आप विमा लिखना चाहो तो विमा भी लिख सकते हो ना, ई की विमा आपको पता है, क्षेत्रफल की विमा L2 होती है। वैसे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, आप कोई पूछने वाला नहीं अपने को कि विमा क्या होती है, विमा इसकी क्या होती है, लेकिन फिर भी अपना अगर नॉलेज के हिसाब से आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अच्छा,
चित्र आपको ध्यान रखना, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि एक तो क्षेत्रफल, जैसे डीएस लिया है मतलब क्या हो गया कि अल्पांश क्षेत्रफल हो गया है ना, डीएस लिया है मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, अल्पांश है ना, अल्प हिस्सा, छोटा हिस्सा है ना, और इसको फाइव बोलते हैं अपन। और डॉट प्रोडक्ट अपने को ध्यान होना चाहिए कि अगर ई डॉट डीएस लिख रहे हो तो ई डॉट डीएस ही लिखेंगे, अगर ई डीएस लिखेंगे तो साथ में क्या लगाएंगे अपन, कॉस थीटा लगाएंगे। इसका फॉर्मूला अपने को पता चल गया और दो कंडीशन अपने को पता चल गई कि अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो हो तो क्या करना है, और थीटा इज इक्वल टू 90 हो तो न्यूनतम फ्लक्स होता है। कैसे होता है वो मैंने आपको मान रख के बता दिया। कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो जीरो का जब इससे गुणा होगा तो पूरा ही, जीरो का जब इससे गुणा होगा तो पूरा ही क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान जीरो हो जाएगा। न्यूनतम फ्लक्स जीरो और अधिकतम फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, उसके बाद अपन कल या कभी बाद में अपन इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो उसमें अपन विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपके 2-3 डेरिवेशन हैं बड़े। तो आपको अगर ये चीज़ें अभी तक की अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आगे आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ गई तो आगे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज तक का आप क्लियर कर लो, लिख लो, समझ लो, अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लो, उसके बाद आगे अपन जब डेरिवेशन करने चलेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले जो है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला निकल के आया था बिंदु आवेश की कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्यू अपॉन 4π ε₀ r² ये फॉर्मूला आगे काम आने वाला है अपने डेरिवेशन के अंदर है ना, तो ये चीज़ें अपने काम आएगी, कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं, सब चीज़ें अपने काम में आने वाली है। तो आज अपनों ने इतना पढ़ा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर अपन जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे अपन, तीव्रता तो पढ़ ली, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे ना। तो आपका ये आधा लेसन तो हो गया, आधा लेसन और बाकी है ना, ठीक है, धन्यवाद, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।